अस्सलाम वालेकुम। आज रात 8 बजे महाराष्ट्र के महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे एक डिमांड किया हूं और उनसे गुजारिश किया हूं कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव जी ठाकरे साहब से आप बात करिए। 25 या 26 तारीख को यानी शनिचर या इतवार को इंशाल्लाह ईद रहेगी और ईद की नमाज़ अदा करने के लिए इस लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की जो बातें चल रही है और जो परमिशन लग रहा है हमको कि नहीं मिलेगा ईदगाह के ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने ये मुतालबा किया हूँ कि ईदगाह पर ही नमाज़ अदा करने की इजाज़त हुकूमत महाराष्ट्र दे। अगर कोई वजह से कोई दुश्वारी है तो हम मुसलमानों को इस महाराष्ट्र के मैंने ये तजवीज़ दिया हूँ कि मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे और मस्जिद में अगर 300 जमाती जमात जब खड़ी होती है तो 300 की कैपेसिटी अगर उस मस्जिद की है या 500 की कैपेसिटी है तो उसमें 3 जमात किया जाए, 3 इमाम ईद की नमाज़ अदा करे और 100-150 इस तरीके से 3 नमाजें हो और 1.5 घंटे के अंदर तीनों जमात मुकम्मल हो जाए, नमाज मुकम्मल हो जाए ईद की, इस तरीके का गाइडलाइन हुकूमत निकाले और महाराष्ट्र के मुसलमानों को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दे। और मुसलमानों का, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशी वाला दिन है। हम लोगों ने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, तरावी की नमाज पढ़ी और इस खुशी के मौके के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने की हमको इजाज़त ईदगाह पे या मस्जिद में दी जाए, इस तरीके का मुतालबा आज मैंने किया हूँ वज़ीर आला साहब से, बाला साहेब थोरात जो महसूल मंत्री है, अल्पसंख्या मंत्री नवाब मलिक साहब, असलम शेख साहब और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, नासिक ज़िला के पालक मंत्री छगन भुजबल साहब, नासिक ज़िला के कलेक्टर साहब और दादाजी भुसे साहब और एडिशनल एसपी प्रांत, इन सब लोगों को आज रात मैंने मेमोरेंडम दिया हूं और कल थोरात साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह इस मामले में कैबिनेट की जब मीटिंग होगी या वज़ीर आला साहब मीटिंग बुलवाएंगे आज या कल में, तो इंशाअल्लाह बोले ये बात को मैं रखूँगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हुकूमत महाराष्ट्र अच्छा फ़ैसला करेगी, ऐसा मुतालबा मैंने किया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।